फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, यह है मेरे हफ्ते की पहली वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे थे अमेजिंग फैक्ट अबाउट अवर मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये शॉर्ट वीडियो जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना भूलना मत, जरूर देखना। व्हाट कम इनटू योर माइंड व्हेन यू हियर द नेम ऑफ सीवी रमन, द इन्वेंटर, द एक्सप्लोरर, द साइंटिस्ट? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, द इंडियन फिजिस्ट हु मेड हिज मदर लैंड फॉर प्राउड बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। हु इज सी वी रमन? हाउ डिड अचीव ऑल दीज थिंग्स? यह इंडिया के द ग्रेट फिजिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकटेश रमन, ये है उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं। उनके फादर का नेम था आर चंद्रशेखर अय्यर, मदर्स का नेम था पार्वती अमल, प्लेस ऑफ बर्थ तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1888 और डेट ऑफ डेथ 21 नवंबर 1970। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक खास बात है यहाँ पे कुछ। देखिए, उनका बर्थ भी नवंबर में हुआ था और उनकी डेथ भी नवंबर के महीने में ही हुई। सो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस अबाउट सम अमेजिंग फैक्ट अबाउट सीवी रमन। सो फैक्ट नंबर वन, सो फ्रेंड्स, जब ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और हमारा ये यकीन मानना बहुत मुश्किल होगा कि इन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी 12वीं की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया। फैक्ट नंबर टू, सर सीवी रमन ने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में साल 1902 में फिजिक्स बीएससी करने के लिए दाखिला लिया, जिसके बाद उन्हें कॉलेज की तरफ से गोल्ड मेडल की भी प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने साल 1907 में एमएससी की डिग्री भी प्राप्त की। फैक्ट नंबर थ्री, एमएससी करने के बाद उन्होंने कोलकाता भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काम किया। फैक्ट नंबर फोर, सर सीवी रमन का साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट होने के कारण जब भी उन्हें वक्त मिलता तो वो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन साइंस लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। फैक्ट नंबर फाइव, 1917 में सर सीवी रमन ने भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस्तीफा दिया और उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बनकर पढ़ाने लगे। फैक्ट नंबर सिक्स, 1929 में सर सीवी रमन ने इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस के 16वें सत्र की अध्यक्षता की थी। फैक्ट नंबर सेवन, सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1930 को एक ऐसा फेमस इफेक्ट दिया जो कि रमन इफेक्ट था। उसके सम्मान में हम लोग 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। फैक्ट नंबर एट, 1934 में सर सीवी रमन को इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस का डायरेक्टर बना दिया गया। फैक्ट नंबर नाइन, 1952 में सर सीवी रमन के सामने वाइस प्रेसिडेंट का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। फैक्ट नंबर टेन, सर सीवी रमन को साल 1954 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोज को देखने के लिए प्लीज नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबाएं। थैंक यू।